पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गत दिनों अंधेरी में स्थित एम्पा टावर में हुए एक शानदार इवेंट में निर्माता निर्देशक डीपी सिंह देव की हिंदी फिल्म बेलगाम का ट्रेलर लॉन्च किया गया। देव फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म के लेखक अजय छावड़िया और को प्रोड्यूसर आर के टंडन है। फिल्म के संगीतकार जितेंद्र विश्वकर्मा, क्रिएटिव डायरेक्टर आर एन वाजपेयी हैं। फिल्म के एडिटर अमित सिंह राजपूत हैं। फिल्म के कलाकारों में देव यादव, पायल कुंवर, प्रमोद माउथो, अब्बास अली, वाजिद अली, बबलू त्यागी, आर एन वाजपेयी, आर के टंडन, स्नेह सिंह, इरशाद सैफी, मुनीश सिसोदिया, शिव कुमार, गंगाराम सैनी, शिव मिगलानी, संजय मौर्य, मनोज शमसोई, लव लोहिवाल, लवी अद्वाल, राज मल्होत्रा, सांची राय, ओम प्रकाश ओम, नवीन उदित भारद्वाज, बबलू राही, विशाल समीर, संजीव नंदन, शशांक वाजपेयी, सुप्रिया, कनिष्क देशवाल, शोभित भारद्वाज और कोमल सिद्धू शामिल हैं। फिल्म बेलगाम की शूटिंग उत्तर प्रदेश में देव फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा पूरी की गई है। डायरेक्टर डीपी सिंह देव ने बताया कि ये सामाजिक सरोकार वाली फिल्म है जिसमें पुलिस की नाकामी और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी कहानी बयान की गई है, जिसका उद्देश्य समाज में फैले अराजकता को सामने लाना है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश में मौजूद बाहुबली के राज को दर्शाती है। छोटे शहर में फिल्म बनी है, इसको ये फिल्म छोटे शहर में बनी है, इसको हमने टेक्निकल सपोर्ट दिया है हमने, तो हम ये चाहेंगे कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस करे, क्योंकि छोटे शहरों में फिल्में जो बनती हैं वो बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। हमने इसको बड़े लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करी है कि इसको टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ इसको बिजनेस मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं कि जो बनती हैं लेकिन रिलीज़ तक नहीं पहुँच पाती हैं। हम इसको रिलीज़ तक पहुंचाया है, सेंसर हुआ, सब कुछ हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि इसको एक अच्छी पब्लिसिटी मिले और एक अच्छा बिजनेस ये करे मुरादाबाद शहर के हिसाब से। तो एक्ट कर करके कईयों को दिखाया, और जो एक्टर होता है उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर 20 साल से कर रहा है एक्टिंग तो वो तो 70 चीज़ें करेगा अपने करेक्टर के अंदर, और वो चाहेगा कि एक रोल एक्ट जो मिला है उसको उसी में वो छा जाए पूरी इंडस्ट्री पे, तो उसको कंट्रोल में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी हाइट तक जानना है और कितनी रेंज तक नहीं जाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होते हैं कि भाई ये चाचा का लड़का है इसको घुसेड़ लिया, ये मामोग्राफर इसको डाल दिया, इसमें ऐसा नहीं, सब अच्छे एक्टर्स हैं और अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं सब लोग, तो इसलिए वो बहुत ही सबका इसमें अभिनय आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा था कि मैं थोड़ा सा सोशल वर्क में लगा रहता हूँ मुरादाबाद में, और मुझे एक दिन मेरे मुरादाबाद में जो है मेरे पास सेल्फी चिनो कैफ़े है, वहाँ पर ये कॉफ़ी पीने आए और इन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई इस फिल्म की। जब स्टोरी बताई और मुझसे ये कहा कि टंडन जी, वैसे मैं थोड़ा सा मजाक करने की आदत है मुझे, तो मुझसे बोले कि आप रियल बहुत नहीं मैं मुझे ये कहा कि रियल में आप कुछ करके देखो, तो मुझे इसमें एक इंजीनियर के फादर का रोल दिया गया जिसमें मैं थोड़ा सा पैरालाइज टाइप हूँ, और तब मैंने उसमें जब स्टोरी को देखा और उसमें ये पढ़ा कि इसमें जो दिखाया गया है वो यूपी, उत्तर प्रदेश और भी सारे स्टेट ही हैं, और मेरा शहर जो है वो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो उसमें एक इस तरीके की पिक्चर बन रही है और बॉलीवुड की पिक्चर बन रही है, तो मुझसे भी सहयोग की कोशिश की और किया। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया है और इस मुरादाबाद के हिसाब से बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग कम से कम हम लोगों को और इन बच्चों का जो, क्योंकि वहां पर इतने कलाकार हैं, मिस इंडिया, मिस्टर मुरादाबाद, मिस्टर मिस मुरादाबाद, ये सब वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, उससे मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने परिवार से हर जिम्मेदारियों से परिपूर्ण होने के बाद मैंने भी कोशिश की कि मैंने कहा जरा सा इसमें भी बढ़ने की कोशिश की। ये मेरी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है जिसमें मैं, आपको जैसे पता ही है कि मैं जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, और जर्नलिस्ट का रोल करेक्टर मतलब ऐसा होता है बहुत पावरफुल और फियरलेस, सब उससे डरते हैं ज़्यादातर, मतलब सबसे बेस्ट रोल होता है अगर जर्नलिस्ट का आप समझे तो। और
बाकी सब आपको सस्पेंस जो है मेरे कैरेक्टर में वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बेसिकली मैं यूट्यूबर हूँ और टिकटॉकर हूँ। मैंने मॉडलिंग की है मुंबई फैशन हब के लिए फर्स्ट, उसके बाद मैं फिर ये मूवी कर रही हूँ। फिर अभी इसी प्रोडक्शन से हमारी किस्मत कर्मा आ रही है। और फिर मैंने अभी भोजपुरी मूवी भी की है दिनेश लाल यादव निरोवा जी के साथ, आए हम बराती बारात लेके। तो अभी हाँ जी 12th कम्प्लीट। सर मैंने देव फिल्म प्रोडक्शन से एक शॉर्ट फिल्म बनाने की शुरुआत की थी। पहले 3-4 शॉर्ट फिल्म बनाई, फिर उसके बाद बेलगाम में एक सब इंस्पेक्टर का करेक्टर प्ले किया। एक ऐसा सब इंस्पेक्टर जो सिस्टम में फंस के रह जाता है, कुछ समय बाद ना चाहते हुए भी वो कदम उसे उठाना पड़ता है जो वो खुद नहीं चाहता था। और बाकी सर फिल्म में आपको पता चली जाएगा। हाँ रोल प्ले किया है सर, राष्ट्रीय ध्वज तुझे नमन में मैंने मिलीट किया है और इंडिया राइजिंग में ना समझ में, तो शॉर्ट फिल्म थी एक सोशल वर्क के लिए हमने वीडियो बनाई। हाँ सर किस्मत कर्मा चल रहा है अभी। मेरा नाम अजय है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही जो है सामने आने लगती राजनीति, अनफॉर्चुनेटली गुंडागर्दी, ठीक है, पुलिस भ्रष्टाचार, मतलब जो एक कहना चाहिए कि पूरा जो देश है, पूरे देश को अगर आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आपको पूरा देश दिख जाएगा, पूरे देश का आईना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पले बड़े हैं और समझ में आती हैं चीज़ें कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो इंस्पायर तो इसी चीज़ ने किया कि हम उत्तर प्रदेश कैसा है उस पर एक थॉट हमें लेके आनी चाहिए। और देव सर से जब मेरी बात हुई तो देव सर ने कहा कि भाई ऐसी एक मूवी बनाने की प्लानिंग हम कर रहे हैं कि जिस पे हम सब कुछ चीज़ें हों। तो मैंने कहा भाई नॉट उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश पर बनाओ कि असलियत में पता चले कि हमारा जो देश है, हमारे जो प्रदेश है, उसे एक्चुअली चलाता कौन है, उसे नेता चलाते हैं, पुलिस चलाते हैं या गुंडे चलाते, चलाता कौन है। तो इसी पे एक हमने मूवी बनाई। और इसमें जो रोल मुझे अट्रैक्शन किया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही हूँ और जो करप्ट लोग हैं उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है और बहुत मेहनत करती है कि ये सब सुधारा जाए। बाकी तो सिस्टम में बहुत सारे करप्ट लोग बड़े हुए हैं, उसको कैसे संभाला जाए। फिर भी देखिए ये सस्पेंस है, अब मूवी देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है और कहाँ तक मैंने काम किया है। लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, देखने में मज़ा आएगा आप लोगों को। एक्टिंग बैकग्राउंड मैं स्टडी करती थी और थिएटर करती थी, उसके बाद मुझे किसी के थ्रू मुझे देव सर मिले थे और उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे मज़ा आया ये मूवी करके। काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं लेकिन जब देव सर ने बताया कि वो मुरादाबाद शहर में ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, खुशी भी हुई, क्योंकि हमारे शहर से अगर इतना अच्छा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा था तो मेरा मतलब एक था कि हाँ मैं भी इस फिल्म के साथ जुड़ने का था। और जब सर ने बताया कि मतलब मेरे लिए उन्होंने जो करेक्टर वगैरह चूज़ किया था तो मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। वो करेक्टर जब मैंने उसके बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि ये करेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मतलब दैट वाज गुड। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं देव सर के साथ, वैसे देव सर को पहले से जानती थी मैं, लेकिन देव सर के साथ उस मूवी के साथ और ज़्यादा आगे बढ़ी और उसमें जुड़ी। और इस मूवी में मतलब इतना सस्पेंस है कि आप इसको देखेंगे तो शायद आपको खुद लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छी मूवी। प्रोजेक्ट को जब मैंने बनाना शुरू किया तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि एक अच्छी स्टोरी देखी जाए, क्योंकि स्टोरी का वन लाइन अपने पास था, अजय छवड़िया ने मेरे को सुना दिया था, लेकिन उसको किस तरीके से पेश किया जाए, किस तरीके से डायरेक्ट किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ यही थी कि कास्टिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसका कास्टिंग कराया, उसमें काफ़ी लोग जैसे कि अपने बख्शी जी हैं, प्रमोद माउथो जी हैं, आपके अब्बास अली साहब हैं, वाजिद जी हैं, इन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। फिर शहर में बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने बात की और उस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट मुरादाबाद से किया। बेसिकली मैंने मुरादाबाद ही नहीं, सराउंडिंग जैसे यूपी के बहुत सारे आर्टिस्टों को इसमें
लिया है और उन आर्टिस्टों का एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से ट्रेंड करके ही सामने लाए हैं, कैमरे के सामने तभी लाए हैं। कम से कम 3 से 6 महीने के उनको ट्रेनिंग दी गई। वहीं मैंने मुरादाबाद में अपने ऑफिस में, जो मेरा मुरादाबाद में ही ऑफिस है, तो वहाँ पर मैंने ट्रेंड कराया कुछ लोगों को जो पहले से सेलिब्रिटीज़ थे या ट्रेनर थे, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों का सबसे पहले ट्रेंड करके और तब उनको पर्दे पे लाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो इसको हम रिलीज करना चाहेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अजनबी तेरे लिए, जिसको हम टाइटल रजिस्टर्ड करा चुके हैं, उसकी स्टोरी भी हमने ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा दी है।